हाँ ले लूँगा। नवल किशोर जी, माधव तिवारी जी, तलक किशोर बाबू, गणेश प्रसाद जी, अनिलेश जी, रंगेश हजार जी, झा जी हमारे मुनिराज जी, गुप्ता जी, नाम बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए तो ही आते जाइए। अशोक जी, मैं पार्षद पिंटू जी वार्ड 35 से निर्दलीय चुनाव लड़ने, पीछे जनता के आशीर्वाद से हम निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। आज हम अपने क्षेत्र में लगभग सैकड़ों लोग के साथ जनसंपर्क करेंगे, जनसंपर्क करके अपने विकास पे वोट मांगेंगे। नेक्स्ट माता बहनों साथियों, हमें किताब छाप पर मोहर लगाकर हमें 11 मई को विजय दिलाएंगे। दिलाने के बाद जो नेक्स्ट हम गरीब बिटिया के लिए डिग्री कॉलेज, गरीब साथियों के लिए 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल, क्षेत्र में मीठा पानी घर घर पहुंचाना, सीवरेज लाइन डलवाना, पूर्वांचल समाज के लिए छठ पूजा घाट एक स्टेडियम के स्वरूप देना, 3 राशन कोटा दिलवाना, 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल दिलवाना, गरीब बिटिया के लिए समुदाय भवन दिलवाना, जो हम नेक्स्ट में वादा किए हैं, हम इस वादा में अपने क्षेत्र में विकास कराएंगे और विकास कराते आए हैं। आज उसी का नतीजा है कि आज हम अपने इस जनसंपर्क में हजार लोगों को समर्थन के साथ अपने क्षेत्र में वोट मांगने निकलेंगे। अच्छा, जितनी पब्लिक जो है प्रमुख राजनीतिक दलों के रैली में भी नहीं होती, उसमें उससे ज़्यादा पब्लिक आपके साथ है। हम 5 साल पार्षद बन के अपने क्षेत्र में एक बेटा एक भाई बनकर हम 8 घंटा अपने ऑफिस पर जनता दरबार के माध्यम से इस कोरोना काल में लोगों को घर घर अनाज देना, वैक्सीन लगाना, 5,000 लोगों को राशन कोटा बनाकर देना, 1,000 गरीबों को रेहड़ी पट्टी का लाइसेंस दिलवाना, 10,000 रुपया उससे प्रदेश सरकार से दिलवाना, लगभग 1,000 बेटियों को हमने 55,000 शादी के लिए अनुदान राशि प्राप्त करवाना, मरने वाले को 25,000 रुपया नगर निगम को दिलाना, केंद्र प्रदेश के तमाम योजना हम गरीबों के इस 5 साल देने के काम किए हैं। आज उसी का नतीजा है कि मेरे सैकड़ों लोग मेरे जनसंपर्क में हम लोग वोट मांगने निकलेंगे और सब अपना आशीर्वाद देकर 11 मई के मतदान करके 13 मई के काउंटिंग में हमें विजय प्राप्त कराएंगे और विजय होने के बाद जो नेक्स्ट वादा किया उस वादे पर हम खड़े उतर के विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नंबर 35 के पार्षद कौन? पिंटू सिंह। किसको सुनाना चाहती हूँ? पिंटू सिंह के। क्या चुनने? किताब छाप। वार्ड नंबर 35 के पार्षद कौन? पिंटू सिंह। क्या चुनने उनकी? किताब। 11 मई को इलेक्शन। पूर्ण बहुमत से? हाँ हाँ। और बात करते हैं किसी से? देखो, काफी उत्साह है महिलाओं में। वार्ड नंबर 35 के पार्षद पिंटू सिंह है, काफी दिन से आइए बात। हमने लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया के अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए। नेक्स्ट अगर हमें पार्षद बना के सदन में भेजने के काम करते हैं तो हमने अपने क्षेत्र के लिए जनता से संकल्प किए हैं, वादा किए हैं, 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल, 3 राशन कोटा, 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल, गरीब बिटिया के लिए डिग्री कॉलेज, घर घर मीठा पानी पहुंचाना, क्षेत्र में सीवरेज लाइन डलवाना, लगभग जो बचा हुआ विकास कार्य है हम पूरे क्षेत्र में संपूर्ण विकास कार्य करवाएंगे और जो हम वादा किए हैं इस वादे पर हम खड़े उतर के अपने क्षेत्र में हमेशा जिस तरह के हम 5 साल नेक्स्ट में हम अपने माता बहनों के बीच में एक बेटा भाई बन के रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हमें जनसंपर्क में लोगों को समर्थन मिल रहा है और 11 मई का किताब छाप पर लोगों ने मोहर मारकर हमें 13 तारीख के विजय पर आप दिलाएंगे और जो वादा किए उस वादे पर खड़े उतरेंगे। हम राजनीतिक गतिविधियाँ कैसी रहेंगी इसमें? हम विकासवादी हैं, हमने सेवा किया है,
विकास पर ही चुनाव मांग रहे हैं, जो पीछे विकास किए हैं और जो वादा किए हैं हम उस विकास पर ही वोट मांगेंगे और विकास पर ही वोट पड़ता है और लोग हमें दोबारा विजय बनाएंगे। आपने विकास किया था, काफ़ी रोड नाले बनवाए थे, जो यहाँ बहुत बुरी हालत होती थी, खस्ता हालत, लोग पानी में निकलने को मजबूर होते थे, आज वो खरंजे गलियाँ पक्की करा दी। आगे जीत के बाद आपकी क्या? मेरे जीत के बाद जो बताए 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल, गरीब बिटिया के लिए डिग्री कॉलेज, घर घर मीठा पानी पहुँचाना, सीवरेज लाइट डलवाना, 3 सरकारी राशन कोटा दिलवाना, पार्क दिलवाना, गरीब बिटिया के लिए समुदाय भवन दिलवाना और हम प्रदेश और केंद्र के सारे योजना अपने क्षेत्र में घर घर पहुंचाने के काम किए हैं और सदा करते रहेंगे, यही मेरा संकल्प है, वादा है। जय हिंद, जय भारत। और इस जनसभा में आज क्षेत्रवासियों को भरपूर समर्थन है और इस बार पूर्ण बहुमत से निर्दलीय वार्ड नंबर 35 से जीत कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएंगे। जुड़े हैं कहीं कहीं कार्यकर्ताओं का अनदेखी कर दिया गया है, कोई बात नहीं है, हमने अपने क्षेत्र में एक बेटा एक भाई बनकर अपने समाज में हमने काम किया, कोरोना काल जैसे विपत में हमने अपने क्षेत्र में एक बेटा की भाई में किसी तरह के दिक्कत ना होने दिया और उनके साथ रहा। आज वही 5 साल का उपलब्धि है कि आज हमें क्षेत्रवासियों से भरपूर समर्थन मिल रहा और पूर्ण बहुमत से हम जीत के हासिल करेंगे। बीच बीच में आपके ऊपर आरोप लगे कि पार्षद पिंटू जी जमीन बचाते हैं, गांजा बिकवाते हैं, वो सब निर्विरोध है। जब चुनाव का बिगुल आता है तो इस तरह के सवाल करते हैं, हम अगर ये रहते तो एक निर्दलीय आज हम लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ के अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। आज वही विकास का नतीजा है कि मेरे साथ पब्लिक है, जनता है, विपक्ष बदनाम करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए इस तरह के इसी समय चुनाव के समय ही इस तरह के बात निकालते हैं, सब निराधार है, सब गलत है। हम जनता के बीच में काम किए हैं और जनता उसी को देगी जो उनके बीच में विकास किया हो, उनका दुख सुख में मान सम्मान किया हो, उनका काम किया हो। आज उसी विकासवादी पिंटू सिंह के वोट पे हम विपक्ष कोई नहीं है और हम पक्ष मजबूत हैं, पक्ष मजबूत से चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं और सभी जनता को समर्थन है और सभी कार्यकर्ताओं को हम बधाई देना चाहते हैं कि आज हम लोग जो जनसंपर्क कर रहे हैं, हम लोग बुद्ध बाजार, मंगल बाजार, ग्रीन होटल, शनि बाजार होते हुए अपने ऑफिस पर समाप्ति करेंगे। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और संपर्क करके हम अपने जो विकास किए हैं इस विकास पर वोट मांग रहे हैं, जो नेक्स्ट आने वाले हम जनता ने हमें जीतकर सदन में भेजने के काम करेंगे। नेक्स्ट हम 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल, गरीब बिटिया के लिए डिग्री कॉलेज, घर मीठा पानी घर घर पहुँचाना, सीवरेज लाइट डलवाना, पूर्वांचल समाज के लिए छठ पूजा एक स्टेडियम समारूप निर्माण कराना, पार्क बच्चों के लिए बनवाना, 3 राशन कोटा बनाना, जो कि माता बहनों यहां राशन लेने में लंबी लाइन लगी हुई रहती है। जो वादा किए हैं हम जीत कर सारे वादा पर हम अपने जनता को उतर कर विकास करके देने के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.